गाइस, मैं खुशरू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। गर्भवती महिला के लिए हैदराबाद मेट्रो ने चलाई है स्पेशल ट्रेन। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर नजर डालेंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो हैदराबाद मेट्रो रेल जो कि रेलवे स्टेशन है, वहां पर एक ऐसी गर्भवती महिला आई जिसने एक्चुअली में वहां पर कर्मचारियों को ये चीज बोला कि उसको जल्द से जल्द उसके घर पे पहुंचना है। और उस दिन जिस दिन वो मेट्रो स्टेशन पे पहुंची, जो कि मेट्रो स्टेशन विक्टोरिया है, वहां पर पहुंचने के बाद वो काफी ज्यादा बुरी हालत में लग रही थी। वहां पर एक्चुअली में मेट्रो स्टेशन 9 बजे बंद हो गया था। आप लोगों को ये चीज बता दें कि हैदराबाद में मेट्रो स्टेशन जो है सुबह 7 बजे शुरू होता है और शाम को 9 बजे एक्चुअली में उसकी समाप्ति की जाती है। उस दौरान ही जो महिला है उसने 10 बजे मेट्रो स्टेशन में एंट्री ली और उसने ये चीज बोला कि उसको जल्द से जल्द उसके घर पे पहुंचना है, जिसके कारण वहां पर जो अधिकारी खड़े थे उन्होंने एक स्पेशल ट्रेन के बारे में आयोजित किया। उन्होंने उस महिला को रात को एक्चुअली में एक थोड़े टाइम के लिए जो है वो दूसरी ट्रेन जो है उनको रोक दिया और उसके बाद ही उन्होंने जो एक स्पेशल ट्रेन है उसको चलाया और उसको सही सलामत उसकी जगह पर पहुंचाया। उस वक्त बारिश इतनी ज्यादा थी कि हर जगह पर तबाही हो रही थी। बहुत ही ज्यादा आप लोगों ने न्यूज देखी होगी कि हैदराबाद में काफी ज्यादा साइक्लोन और काफी सारी प्रॉब्लम्स हुई, जिसके कारण काफी सारे लोग जख्मी हुए, काफी सारे लोगों के घर टूट गए, काफी सारे लोगों का सामान इधर से उधर हो गया। वहां पर ये गर्भवती महिला को बहुत ही ज्यादा हेल्प की जरूरत थी, जो कि हैदराबाद मेट्रो स्टेशन के लोगों ने वहां पर हेल्प की इस महिला की। तो आई होप गाइस आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।